हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है बिकॉज आप ट्रेलर देख के ही समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है ये। तो बेसिकली हमारे लिए ना हमारी जूनियर्स एंड टीचर्स ने काफ़ी अच्छा सा फेयरवेल थ्रो किया था एंड चलिए आइए देखते हैं। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने पहना था रेड कलर का गाउन एंड इट वॉज टाइम फॉर लीविंग। सो मैं निकल गई थी घर से एंड जैसे कि पता है इतनी गर्मी है एंड गाउन वगैरह पहना तो मुझसे ये सब हैवी ड्रेसेस नहीं मतलब संभल पाता है, बट कैसे कैसे करके मैं स्टेशन पहुंच गई थी। तो यहाँ पे मुझे जाना था ट्रेन से बेसिकली, क्योंकि भाई यहाँ मुंबई का जो लाइफलाइन है वो लोकल ट्रेन है, तो इसके बिना कोई भी सफ़र अधूरा हो जाता है। तो आइए चलते हैं। मैं पहुंच चुकी थी चर्च गेट स्टेशन एंड फिर यहाँ से मुझे जाना था मेरे कॉलेज, तो चलिए चलते हैं। सो आपने से कौन कौन मुंबई विजिट किया है एंड कौन कौन मुंबई से है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड आपको मुंबई की खास बात क्या लगती है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं जान सकूँ आप क्या सोचते हो मुंबई के बारे में। मैं हो गई थी थोड़ा लेट, तो मैं जल्दी जल्दी भागी थी कॉलेज के लिए एंड फिर मैं शॉट लेना भूल गई। बट यहाँ पे मैं पहुँच गई थी तो हाउसी गेम चालू था एंड मुझे लगा कि यार मैं नहीं जीत पाऊँगी, बट मैंने फुल हाउसी जीत लिया था एंड फिर मुझे गिफ्ट भी मिला था तो मैं शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे खाने का समय हो चुका था तो हमारे लिए ऑप्शंस में था नॉन वेज एंड वेज। तो वेज में था फ्राइड राइस एंड नॉन वेज में था चिकन बिरयानी। सो दोनों बोलूँ तो मेरे फ्रेंड्स ने रिव्यू दिया नॉन वेज का भी अच्छा था एंड वेज का मैं कहूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड देन हमने सब ठूसने उसने के बाद गेम्स का टाइम होने वाला था कि आगे और भी चीज़ें थी हमारे लिए अरेंज की हुई। सो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने वेलकम किया गया था स्पीच से बिकॉज अभी कुछ चीज़ें बाकी थी प्रोग्राम की। तो यहाँ पर हमारे HOD सर भी आ चुके थे तो इसीलिए अच्छे से मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो कि था डांस बाय वन ऑफ आवर जूनियर्स। सो ये काफ़ी अच्छी है डांस में एंड इसके बिना तो कोई भी प्रोग्राम अधूरा ही होता है। सो लेट्स एंजॉय। उसके बाद हमें दिया गया था स्वीट्स और उसमें था गुलाब जामुन। सो जो कि सबका फेवरेट होता है तो हमने इन्जॉय किया उसे अच्छे से एंड उसके बाद हमारे HOD सर आए थे तो उन्होंने हमारे लिए काजू कतली लाई थी बिकॉज हम उनके काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट्स हैं।
एंड बैच है सो इसीलिए तो यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे थे एंड ये सारी मोमेंट्स ना हम नहीं भूल सकते हैं. एंड देन इट वॉज फाइनली द क्विज टाइम. सो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो बाकी सारे राउंड क्लियर करके आगे बढ़े थे तो उनको फिर आगे क्विज दिया गया था. तो बेसिकली जो क्विज था ना उनको बोला गया था जीके में, बट पूछ दिया गया था हमारे सिलेबस से रिलेटेड. तो ये काफ़ी मज़ेदार हो गया था. चलिए आइए देखते हैं. सो यहाँ पे हमारे टीचर्स जो थे जजेस बने थे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो अब टाइम था मिस फेयरवेल अनाउंस करने का. तो वो थी हमारी सुपर एक्टिव प्रेसिडेंट विच वॉज सुमैमा. एंड लाइक ये हमारे प्रेसिडेंट है हमारे डिपार्टमेंट की भी. तो वो एंड सेकेंड प्राइज जो था वो शशि को मिला था. तो उसने भी काफ़ी अच्छा मतलब क्लियर किया था परफॉर्मेंस हर एक गेम्स में. एंड फिर मुझे मिला था बट मेरा कुछ नहीं आ पाया. एंड दिस वाज थैंक यू स्पीच बाय आवर प्रेसिडेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट था वो हमारा फोटो शूट जिसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम अधूरा है. एंड इससे भी मन नहीं भरा तो हम चल लिए थे हमारे कॉलेज के कैंपस में. एंड वहाँ पे भी जाके हमने किया था थोड़ा फोटो शूट, थोड़ा सा यू नो अपने टैलेंट को दिखाते हुए. एंड फिर हम चल लिए थे घर की ओर विथ स्वीट मेमरीज बट थोड़ा सा सैडनेस भी. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा. Thanks for watching.